दोस्तों फिर गहराया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद। अब दोनों ने पार की सारी हदें। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी मेगा स्टार खेसारी लाल यादव को चाहने वाले करोड़ों की संख्या में दर्शक हैं। दोनों का चलवा भोजपुरी दर्शकों के बीच जमकर चलता है। बता दें कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैन फॉलोइंग भी इन दोनों के बीच होने वाले विवाद में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। इन दोनों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच विवाद लगातार होता जा रहा है। एक समय पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक से बढ़कर एक फिल्म साथ की है। फिर अक्षरा सिंह के साथ खेसारी लाल यादव की फिल्म आनी शुरू हुई और पवन सिंह और खेसारी का विवाद भी यहीं से शुरू हुआ। फिर पवन और अक्षरा एक साथ आए तो ये विवाद थमसा गया था। इसके बाद पवन और अक्षरा के रिश्ते में खटास आई तो खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर बढ़कर अक्षरा का साथ दिया और दोनों के बीच विवाद भी गहरा हो गया। खेसारी और पवन सिंह के बीच इससे पहले हुए विवाद ने भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों को दो खंडों में बांट दिया। अब एक बार फिर दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। पहले दोनों स्टार की वजह से एक दूसरे में लड़ रहे थे। अब ये विवाद सारी हदों को तोड़ते हुए दोनों की मर्दानगी चेक करने के पैमाने तक पहुंच गया है। साल 2023 की शुरुआत के साथ ये विवाद और गहरा हो गया। बता दें कि खेसारी लाल यादव ने एक इवेंट में बिना नाम लिए कहा कि हर 9 महीने में सोहरा गवा सकते हैं। इसी बात को लोगों ने समझ लिया कि वो सीधे तौर पर बिना नाम लिए पवन सिंह पर निशाना साध रहे थे। बक्सर में एक निजी कार्यक्रम में आए खेसारी लाल यादव ने यहाँ मंच से कहा कि हम असली मर्द हैं, चाहे तो हर 9 महीने पे सोहरा गवा सकीला, उनके में दम हो तो वो बजवा लें, वो मर जाएंगे तो भी सोहरा नहीं गवा सकेंगे। बता दें कि इसके पहले खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर बयान दिया था और कहा था कि वो हर हीरोइन के साथ अंकल जैसे दिखते हैं, जिसके जवाब में पवन सिंह ने कहा था कि खेसारी लाल यादव अभी बच्चा है।